हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम ऑफ स्टारफिश। इस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टारफिश के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, इसके अंदर कैसे वाटर वास्कुलर सिस्टम चलता है, तो और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी हीमल सिस्टम के बारे में। तो ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियोज अगर पसंद आती हैं, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें स्टारफिश के अंदर, इसके अंदर चार पार्ट्स कंसिस्ट करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है स्टारफिश का चार पार्ट्स कंसिस्ट करता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे होता है सुपरफिशियल और एक्टो नर्वस सिस्टम। ठीक है, सुपरफिशियल और एक्टो नर्वस सिस्टम होता है। सेकेंड यहाँ पे होता है डीप हाइपो न्यूरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, डीपली प्रेजेंट होगा ये। एंड थर्ड वन इज द एबोरल सिलोमिक नर्वस सिस्टम, यानी एबोरल साइड को जो इनर्वेट करेगा। एंड फोर्थ इज द विसरल नर्वस सिस्टम। तो ये चार सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम, इनके अंदर पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। यहाँ पे अगर डायग्राम के अंदर देखें हम, तो यहाँ पे नर्वस लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे नर्वस लेयर प्रेजेंट होती है जो कि इसका नर्वस सिस्टम फॉर्म करेगी। अब इसके अलावा यहाँ पे ये रेडियल नर्व कोड यहाँ प्रेजेंट होती है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें सुपरफिशियल एक्टो और एक्टो नर्वस सिस्टम। ठीक है, सुपरफिशियल और एक्टो नर्वस सिस्टम अगर हम देखें, इट इंक्लूड्स द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड ये बिलो द एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। फर्स्ट तो ये मेन पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, सेकेंड ये प्रेजेंट होता है बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है ये। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर असरकम ओरल नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, जो कि इसके अंदर पेंटागोनल माउथ को एक रिंग है, एक डिस्क सराउंड करती है, वहाँ पे प्रेजेंट होगी सरकम ओरल नर्व रिंग। रेडियल नर्व कोड यहाँ प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये होगी यहाँ पे रेडियल नर्व कोड हो गई। एंड इसके अंदर एक सब एपिड्रमल प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सब एपिड्रमल, एपिड्रमल यानी एपिड्रमिस के नीचे प्रेजेंट है, तो सब एपिड्रमल प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। तो ये फर्दर सुपरफिशियल और एक्टो नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं तीन पार्ट। तो सबसे फर्स्ट अगर सरकम ओरल नर्व रिंग को देखें, सरकम ओरल नर्व रिंग इज पेंटागोनल एंड राउंडेड द माउथ। ठीक है, माउथ को राउंड करती है, जो ये डिस्क होती है पेंटागोनल यहाँ पे, वैसे ये क्या है, माउथ को ऐसे ही राउंड करती है, जो कि एक पेंटागोनल रिंग होती है, नर्व रिंग होती है। इट स्प्लाइज फाइबर्स टू द पेरिस्टोम एंड ईसोफेगस। अब माउथ को एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है, जिसको बोला जाता है पेरिस्टोम, एंड इसके बाद माउथ जो है वो लीड करता है ईसोफेगस के अंदर। तो ये अपने फाइबर्स जो है पेरिस्टोम एंड ईसोफेगस को सप्लाई करती है। नेक्स्ट इज द रेडियल नर्व कोड। ठीक है, रेडियल नर्व कोड जो है अराइज फ्रॉम द एंगल्स ऑफ द पेंटागोनल सरकम ओरल रिंग। जो इसके एंगल्स होंगे, ठीक है, सरकम ओरल रिंग के जो एंगल्स होंगे वहां से ही अराइज होंगी। विच रन्स मिडल ऑफ ईच आर्म, यहाँ पे आर्म होगी, तो आर्म के ये मिडल के अंदर क्या कर रहे हैं, रन करते हैं। इन क्रॉस सेक्शन द रेडियल नर्व कोड अपियर्स वी शेप्ड। ठीक है, एक अगर हम इसका क्रॉस करके सेक्शन कर करके देखें नर्व कोड, रेडियल नर्व कोड का, तो ये वी शेप की नजर आती है एंड एंड्स इन अ सेंसरी कुशन एट द बेस ऑफ द थर्मल टेंटेकल्स ऑफ इट्स आर्म। ठीक है, जो टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, टर्मिनल टेंटेकल्स, ठीक है, टर्मिनल टेंटेकल्स जो प्रेजेंट होते हैं आर्म्स के अंदर, वहां पे क्या हो जाती है, एंड हो जाती है एक सेंसरी कुशन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, सेंसरी कुशन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एंड हो जाएगी ऐसे, एंड इस वे में ये ऐसे वी शेप की होती है। द रेडियल नर्व सप्लाई द नर्व फाइबर्स ऑफ द ट्यूब फीट एंड एम्पुला। एम्पुला एंड ट्यूब फीट को, ट्यूब फीट्स को ये क्या करती है, अपनी सप्लाई भेजती है, अपनी नर्व्स भेजती है। नेक्स्ट है नंबर थर्ड, सब एपिड्रमल प्लेक्सस। सब एपिड्रमल प्लेक्सस जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इलेबोरेट नेटवर्क। ठीक है, एक इलेबोरेट नेटवर्क की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं नर्व सेल्स थ्रू आउट द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के अंदर प्रेजेंट होगी एक इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स की फॉर्म में।
इट इज कनेक्टेड विद द रेडियल नर्व कोर्ड्स बाय अ वे ऑफ फाइन नर्व फाइबर्स. अब जो रेडियल नर्व कोर्ड थी जो आर्म्स के अंदर प्रेजेंट थी, उसके अंदर भी ये क्या होता है, रेडियल नर्व कोर्ड के अंदर फाइन फाइबर्स के थ्रू ये कनेक्टेड होता है. द नर्व प्लेक्सिस इज कंसंट्रेटेड टू फॉर्म, एंड ये किसकी फॉर्म में कंसंट्रेट होते हैं, अ पेयर ऑफ एड रेडियल और मार्जिनल नर्व्स की फॉर्म में. ठीक है, मार्जिन्स के ऊपर जो नर्व्स प्रेजेंट होगी, एड रेडियल और मार्जिनल नर्व्स, वन रनिंग अलोंग ईच मार्जिन ऑफ ईच ऑफ द एम्बुलेक्रल ग्रूव. जो एम्बुलेक्रल ग्रूव होता है, बीच में जो एम्बुलेक्रल ग्रूव प्रेजेंट होता है, उसके मार्जिन के ऊपर ये, उसके मार्जिन के अलोंग विद ये रन करते हैं मार्जिनल नर्व्स और एड रेडियल नर्व्स. सेकेंड यहाँ पे होता है ए नर्व रिंग इन द सकर ऑफ ईच टू फीट. टू फीट के अंदर जो सकर प्रेजेंट होता है उसके अंदर एक नर्व रिंग प्रेजेंट होती है. तो ऐसे करके नर्व प्लेक्सिस जो है ये दो रिंग्स हैं, दो पार्ट्स हैं वो फॉर्म करती है. इसके बाद एज द कंपोनेंट्स ऑफ दिस सिस्टम आर डिवेलप्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म. ठीक है, इसके जो सिस्टम है वो एपिडर्मी से और एक्टोडर्म से डिवेल्प होते हैं. इट इज कॉल्ड एक्टोडर्मल नर्वस सिस्टम, इसलिए इसको सुपरफिशियल और एक्टोडर्मल नर्वस सिस्टम बोला जाता है. इट कंटेन्स सेंसरी एज वेल एज मोटर फाइबर्स. ठीक है, सेंसरी और मोटर फाइबर्स दोनों टाइप के फाइबर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं. दस इट सर्व्स टू रिसीव एंड कंडक्ट द स्टिमुलाई. तो ये सेंसरी है तो ये सेंस करेगा, रिसीव करेगा, एंड मोटर है नेक्स्ट ये कंडक्ट करेगा, एंड सर्व्स द एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह सर्व करता है स्टारफिश के अंदर. नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट पार्ट है नर्वस सिस्टम का, डीप और हाइपोन्यूरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, डीप हाइपोन्यूरल नर्वस सिस्टम. इट डिवेल्प्स फ्रॉम द मेसोडर्म, ये मेसोडर्म से डिवेल्प होता है. बिटवीन द रेडियल नर्व्स एंड रेडियल नर्व्स. ठीक है, बिटवीन द रेडियल नर्व्स एंड रेडियल एम्बुलेक्रल वेसल. ठीक है, एक तो रेडियल नर्व, एक रेडियल एम्बुलेक्रल वेसल जो होंगी हर एक आर्म की. देर इज अ स्पेस विच इज डिवाइडेड इंटू टू बाय अ वर्टिकल पार्टीशन. एक वर्टिकल पार्टीशन होगी. ठीक है, इस वर्टिकल पार्टीशन से ये जो रेडियल नर्व्स और रेडियल एम्बुलेक्रल वेसल है हर एक आर्म की, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी. ठीक है, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दी जाएगी. इट इंक्लूड्स अ डबल सर्कम ओरल रिंग. इसके अंदर एक डबल सर्कम ओरल रिंग प्रेजेंट होती है ऑन द ओरल साइड, ओरल साइड के ऊपर. ठीक है, ओरल साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है जस्ट अबाउ द एक्टोन्यूरल नर्व रिंग. ठीक है, जो एक्टोन्यूरल नर्व रिंग होगी. अब हमने देखा था कि यहाँ पे ये एक पेंटागोनल सी रिंग प्रेजेंट होती है माउथ और पेरिस्टोम और इसोफेगस को जो सप्लाई भेजती है. तो ये जो रिंग है जिसको हमने बोला था यहाँ पे, ये जो रिंग है यहाँ पे, ये सरकम ओरल रिंग जिसको बोला था, तो ये सरकम ओरल रिंग, डबल सरकम ओरल रिंग यहाँ पे एक प्रेजेंट होती है, इंक्लूड करता है अबाउ द एक्टोन्यूरल नर्व फाइबर, यानी कि जिसकी हमने बात की थी फर्स्ट वाले की, उसके जस्ट अबाउ प्रेजेंट होती है. एंड फाइव पेयर्स ऑफ डबल रेडियल नर्व्स और लैंगर्स नर्व विच अराइज फ्रॉम द फॉर्मर एंड एक्सटेंड इन ईच आर्म. अब इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ये जो है नीचे वाली है, हमने जो डिस्कस कर लिया एक्टोन्यूरल नर्व फाइबर थी, नर्व रिंग थी. अब ये सेकेंड इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये है यहाँ पे सेकेंड हाइपोन्यूरल नर्व जिसको हमने बोला है. ठीक है, तो ये जो नर्व है इससे अगेन क्या होंगे, इसके अंदर अगेन जो आर्म्स होंगे उनके अंदर यहाँ पे अराइज होंगे, एक्सटेंड करेंगे हर एक आर्म के अंदर ये जो लैंगर्स नर्व्स है ये. ठीक है, रेडियल और लैंगर्स नर्व है, डबल रेडियल और लैंगर्स नर्व्स जो है वो अराइज हुई है ये इस फॉर्मर से, जो पहले से ये है इससे, और ये आर्म के अंदर एक्सटेंड करते हैं हर एक आर्म के अंदर. ईच लैंगर्स नर्व इनर्वेट द मसल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्म. और हर एक अपनी अपनी जो आर्म होगी इसके अंदर ये जो लैंगर्स नर्व जाएंगी वो इनर्वेट करेंगे इनकी मसल से. द डीप नर्वस सिस्टम इज मोटर इन फंक्शन. ठीक है, ये मसल्स को इनर्वेट करती है, तो ये मोटर इन फंक्शन होती है मेनली.
थर्ड टाइप का नर्वस सिस्टम है अबोरल और सिलोमिक नर्वस सिस्टम। अबोरल नर्वस सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ थिन नर्व प्लेक्सस सिचुएटेड इन द अबोरल बॉडी वॉल। ठीक है, ये अबोरल बॉडी वॉल की साइड में प्रेजेंट होता है एंड एक थिन नर्व प्लेक्सस रिप्रेजेंट करता है जस्ट अबाउट द पेराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, पेराइटल पेरिटोनियम के जस्ट आउटसाइड। It is thickened to form an anal nerve ring in the central disc and a nerve in each arm. अब aboral side पे present है, हमने discuss किया था external morphology के अंदर, aboral side के ऊपर जो है या जो aboral side है वहाँ पे anus present होती है, तो ये जो है ये thickened हो जाता है anal nerve ring की form में, aboral side के अंदर जो anal nerve ring है उसकी form में thickened हो जाएगा इन द सेंट्रल डिस्क, क्योंकि उस साइड भी सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, जैसे ओरल साइड प्रेजेंट होती है वैसे अबोरल साइड एक सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होगी एंड नर्व इन ईच आर्म, और इस सेंट्रल डिस्क से एक हर एक आर्म के अंदर नर्व जाएगी। दिस सिस्टम इज कनेक्टेड विद द मार्जिनल नर्व्स बाय अ सेवरल लेटरल नर्व्स इन ईच आर्म। अब हमने मार्जिनल नर्व्स भी देखी थी, जो आर्म का जो ग्रूव है, ठीक है, ये जैसे ग्रूव हो गया, अब इस ग्रूव को ना सराउंड करती है मार्जिनल नर्व्स। ठीक है, हर इसके अलोंग विद ये इसके यहाँ पे मार्जिनल नर्व्स प्रेजेंट होती है, तो ये जो मार्जिनल नर्व्स है ये इनसे कनेक्टेड होती है बाय सेवरल लेटरल नर्व। ठीक है, यहाँ से लेटरल नर्व होंगी जिससे ये अबोरल और सिलोमिक नर्वस सिस्टम कनेक्टेड होगा। इट इनर्वेट्स द अबोरल मसल्स ऑफ द आर्म, एंड ये अबोरल मसल्स जो होती है आर्म की, अपनी अपनी साइड की आर्म की, उनको इनर्वेट करते हैं। तो दिस सिस्टम इज डिवेल्प फ्रॉम द मीजोडर्म एंड मोटर इन नेचर। ठीक है, मीजोडर्म से तो डिवेल्प होगा ही, लेकिन ये मोटर इन नेचर होगा क्योंकि ये अबोरल मसल्स को इनर्वेट करता है। फोर्थ इज द विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द गट। गट को जो वॉल सराउंड करती है विसरल, तो उसके जो लोकेट होता है जिस गट की वॉल है जस्ट आउटसाइड द एंटेरिक एपिथेलियम। ठीक है, एंटेरिक एपिथेलियम के बिल्कुल जस्ट इनसाइड ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि एंटेरिक एपिथेलियम क्या करेगी, गट को सराउंड करके रखेगी, तो उस गट की वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेल डिफाइंड नर्व प्लेक्सस। इसके अंदर वेल डिफाइंड नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं विच इज कनेक्टेड विद द विसरल रिसेप्टर, जो कि विसरल रिसेप्टर से कनेक्टेड होते हैं, और ये होते हैं सेंसरी इन फंक्शन। इनका काम होता है सेंसेशन करने का, लाइक हमने फर्स्ट देखा सुपरफिशियल, उसका काम था रिसीव करने का और कंडक्ट करने का, एंड इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि मोटर इन फंक्शन है, ओरल साइड की मसल्स को सप्लाई इनर्वेट किया जाता है, बोरल मसल्स की साइड को इनर्वेट किया जाता है, तो वो मोटर इन फंक्शन होते हैं, एंड ये जो है विसरल नर्वस सिस्टम ये सेंसरी इन फंक्शन होता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है चारों के चारों पार्ट कैसे होते हैं नर्वस सिस्टम के और क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कि कोई मोटर होता है या फिर कोई सेंसरी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसका सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, स्टार फिश के सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।